नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे और पिछले महीने दक्षिणी राज्य में आई आपदा से बचे लोगों से बातचीत करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री का विशेष विमान से कन्नूर जिले में उतरेगा, यहाँ से वह हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भाजपा के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हैं। उनका लगातार दौरा हो रहा है, एक बार फिर आज झारखंड जा रहे हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रभार दिया है। ग्वालियर के स्थानीय साइंस कॉलेज में आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। रोजगार मेले में 71 कंपनियां युवाओं को नौकरी देने के लिए आ रही हैं। इन कंपनियों द्वारा लगभग 13,082 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। लंबे इंतजार के बाद मुरादाबाद के मुंडा पांडे हवाई अड्डे से उड़ान शुरू हो रही है। आज हवाई अड्डे से पहली उड़ान लखनऊ के लिए शुरू की जाएगी। हवाई सेवा को शुरू करने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब महानगरवासियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज टीकमगढ़ जिले में एक विशेष आयोजन में शामिल होंगे, जहां लाडली बहनों के लिए विशेष राखी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में वो 25,000 बहनों से राखी बंधवाएंगे और राखी के उपहार के रूप में हर बहन को 250 रुपए अतिरिक्त प्रदान करेंगे। HDFC बैंक अपने बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आज 3 घंटे तक आवश्यक सिस्टम मेंटेनेंस करेगा। बैंक ने मैसेज के जरिए अपने ग्राहकों को इस बात की जानकारी दी। जामताड़ा जिले में आज से 25 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। आज जिले के सभी 1238 बूथों में फाइलेरिया की दवा दी जाएगी, जबकि 11 से 25 अगस्त तक छूटे हुए लोगों को डोर टू डोर जाकर दवा दी जाएगी। भारत में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए तो यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल हाल ही में हुए कुछ रेल हादसों के चलते भारतीय रेलवे ने रखरखाव के काम के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर जाने वाली दर्जनों ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज भी मालदीव में रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के रास्ते तलाशना है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, यानी अगले 2 दिनों तक राजधानी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1397 में जर्मनी के अल्बर्ट द्वितीय का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1860 में प्रख्यात संगीतकार विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1894 में देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1926 में इटली और स्पेन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज ही के दिन सन 1980 में भारत की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।